नमस्कार दोस्तों, हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही कमाल की ट्रिक बताने वाला हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ एक ट्रायंगल को बना दिया और उसके बीच में से मैंने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया और मैंने आपसे ये पूछा कि आपको इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा 2, लेकिन नहीं, इस फिगर में 3 ट्रायंगल्स हैं। एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये बड़ा वाला। ऐसे ही अगर मैं ट्रायंगल्स के बीच में से 2 लाइंस को ड्रॉ कर दूं और फिर आपसे पूछूं कि इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, तो यहां 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, कुल मिलाकर 6 ट्रायंगल्स हैं, राइट? चलिए, यहां तो हमने देखकर ये पता लगा लिया कि यहां पर कितने ट्रायंगल्स होंगे, लेकिन तब क्या होगा जब हमारे सामने ऐसा फिगर होगा जिसमें बहुत सारे ट्रायंगल्स होंगे? तब तो इनको काउंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं। हमने देखा कि इस फिगर में हमारे पास 2 खाली जगह है, एक ये और दूसरी ये। तो हम क्या करेंगे, हम इन खाली जगह पर 1 और 2 को लिख देंगे। अब आप बताइए कि 1 और 2 को ऐड करने पर कितना आता है? 3 आता है। तो इसका मतलब इस फिगर में हमारे पास कुल मिलाकर 3 ट्रायंगल्स होंगे। ऐसे ही इस फिगर में भी हम खाली जगहों पर 1, 2 और 3 को लिख देंगे और हम इन तीनों नंबर्स को ऐड कर देंगे तो आएगा 6। यानी इस फिगर में हमारे पास कुल मिलाकर 6 ट्रायंगल्स होंगे। मान लीजिए हमें ये फिगर दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं। तो हमने देखा इसमें कुल मिलाकर 5 खाली जगह है। तो सबसे पहले हम इसमें 1 से लेकर 5 तक नंबर्स को लिख देंगे और इन सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 15। यानी इस फिगर में कुल मिलाकर 15 ट्रायंगल्स हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हम बिना नंबर्स को ऐड किए ही ये पता लगा लें कि हमारे पास कितने ट्रायंगल्स हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि हमारे पास कितनी खाली जगह है। 5 खाली जगह है। आप बताइए कि 5 के बाद क्या आता है? 6 आता है। तो हम 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 30 और 30 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी आएगा 15। तो इस तरीके से भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि इसी फिगर में मैंने बीच में से एक लाइन को ड्रॉ कर दिया और आपसे पूछा कि इस फिगर में कुल मिलाकर कितने ट्रायंगल्स हैं, तब आप क्या करेंगे? बहुत ही आसान है। आप नीचे भी 1 से लेकर 5 तक नंबर्स को लिख देंगे और ऊपर भी 1 से लेकर 5 तक नंबर्स को लिख देंगे और इन सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 30। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको SSC, बैंक, रेलवे और कई तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में देखने को मिलते हैं। तो आप इस ट्रिक का यूज करके आसानी से अपना आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।